आज बनाएंगे मसाले में लिपटी चटपटी सिंपल स्वादिष्ट आलू बीन्स की सूखी सब्जी। थोड़े नए और आसान तरीके से सब्जी को बनाकर तैयार करेंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो बीन्स को अच्छे से धोकर बड़े टुकड़ों में काट लिया है। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर लिए हैं 2 टमाटर, 2 प्याज, कुछ कलियाँ लहसुन की, 2 हरी मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, और साथ में लिए हैं छोटे वाले आलू। इन्हें अच्छे से धो लिया है, इनको हम छिलकों के साथ ही यूज़ करेंगे। अगर आपके पास छोटे आलू नहीं है तो आप बड़े आलू को छोटे टुकड़ों में काटकर छिलके के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब सभी आलू में हम करीब 5 से 6 छोटे छोटे कट लगाएंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर आलू में अंदर तक आए। सारी तैयारी करने के बाद कढ़ाई में डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। इसमें स्वाद अच्छा आता है, आप अपनी पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल गर्म हो जाने पर डाल देंगे आलू। आलू को यहाँ छिलके के साथ साबुत ही यूज़ किया है। एक बार अच्छे से चला लेंगे, उसके बाद आलू फीके ना लगे इसके लिए डालेंगे थोड़ा सा नमक, और आलू में कलर अच्छा आए इसके लिए डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर आलूओं को फ्राई करेंगे। हमने छोटे साइज के आलू लिए हैं, इन्हें फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब यह फ्राई हो जाएंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा और जो इनका छिलका है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेते हैं। इस सब्जी का टेस्ट तो मैं आपसे क्या ही बोलूँ, बड़ा गजब का आता है। एक बार आप इसे ज़रूर बनाना, फिर आप इसे बार बार बनाने से खुद को रोक ही नहीं पाओगे। आलू अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी फ्राई हुए हैं, अब इन्हें साइड में रखते हैं। एक्स्ट्रा तेल को निकाल लेंगे और ज़रूरत के लायक तेल को रहने देंगे। अब डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, और जीरा चटकने पर डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। धीमी आंच पर प्याज को बढ़िया गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। आप कोई भी सब्जी बनाएं, मसाले को हमेशा ही धीमी आंच पर और तसल्ली के साथ भूनें। आपकी सब्जी हमेशा ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। अब दूसरे प्याज को बड़े टुकड़ों में काट कर डालेंगे, और डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च को कूट कर। आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं या बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। अब इन्हें भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, जिससे इनका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद डाल देंगे कुछ मसाले, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यह तीखा नहीं होता है पर इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब मसालों को भी 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पर भून लेंगे। उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और पानी के साथ मसाले को अच्छे से पका लेंगे। जब मसाला पक जाएगा तो तेल अलग हो जाएगा। उसके बाद डाल देंगे टमाटर। टमाटर को भी यहाँ बारीक काट कर डाला है, आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं। और साथ ही डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक को थोड़ा ध्यान से ही डालें, क्योंकि हमने आलू में पहले भी नमक डाला हुआ है। अब लगाएंगे ढक्कन, और धीमी आंच पर टमाटर के सॉफ्ट होने तक और तेल के अलग होने तक मसाले को पका लेंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है, एक बार चला लेते हैं ताकि जले नहीं। आप इस सब्जी को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं और किसी खास मौके पर भी बना सकते हैं। अब मसाले में डाल देंगे फ्राई किए हुए आलू और बीन्स। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला बीन्स और आलू पर अच्छे से लिपट जाए। आपको मेरे सब्जी बनाने का और मेरे बताने का तरीका कैसा लग रहा है, आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, और नहीं आ रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल देंगे 1/2 गिलास या 150 ml गर्म पानी। यहाँ पर वीडियो शूट नहीं हो पाया, पर आप पानी ज़रूर डालें और गर्म ही डालें। उसके बाद ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर लगभग 15 मिनट तक सब्जी को पका लेंगे, और ढक्कन हटाने के बाद 2 से 3 मिनट तक सब्जी को धीमी आंच पर भून लेंगे। उसके बाद डाल देंगे स्वाद के अनुसार गरम मसाला। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप ज़रूर डालें,
मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और सब्जी को 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे। इससे हमारी सब्जी खिली खिली तैयार होगी। एक बार इस सब्जी को आप ज़रूर बनाएं, यह आपको बहुत पसंद आएगी। और आपके पास अगर छोटे आलू हैं तो आप इन्हें छिलके के साथ फ्राई करके ज़रूर डालें, यह आपकी सब्जी का स्वाद ही बदल देंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।